अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे अगले जनवरी फरवरी और अगर मार्च हमें मिला तो मार्च में भी, वैसे हमारी कैलकुलेशन जनवरी फरवरी पे एंड हो जाएगी, अगर मार्च मिला तो उसमें कुछ और नया कर लेंगे। तो मैं दो महीने के हिसाब से बताता हूं कि उस दो महीने में क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है टेस्ट सीरीज। बच्चों, टेस्ट सीरीज का इंफॉर्मेशन मैं एक बार आपको दे देता हूं कि टेस्ट सीरीज का इंफॉर्मेशन क्या है और कैसे है। हाँ, मैंने पूरी चिट्ठी बनाई है आज आप लोगों के लिए, क्योंकि प्लानिंग जब हुई थी तो पूरा डिसाइड कर लिया गया कि क्या चीज कैसे होगी और कैसे नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज सबसे पहले जो रहेगी वो कैसे रहेगी। टेस्ट सीरीज बच्चों जनवरी और फरवरी, ये दो महीने की हम अभी एस्टिमेशन लगा रहे हैं। डेट शीट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेंगे अगर और आगे भी जाना है तो जान फेब में टेस्ट सीरीज में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले 15 फुल कोर्स टेस्ट है। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर जैसा हर साल करते हो कि यूनिट्स ले लो, वो यूनिट हम टेस्ट सीरीज का पार्ट नहीं बनाएंगे सर, वो यूनिट टेस्ट कुछ यूनिट जो मैं आपसे डिसाइड कर लूंगा कि कौन सी यूनिट हमें लेनी चाहिए, वो वाली पर्टिकुलर यूनिट्स हम दिसंबर के मंथ में आप लोगों के लिए नॉर्मल टेस्ट की तरह ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव 15 फुल कोर्स टेस्ट है। 15 फुल कोर्स टेस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, 1 मार्कस 20 और 2 मार्कस 20 हमारे पास, तो 15 टेस्ट में समवेयर अराउंड 10 2 मार्कर है, 20 1 मार्कर है, 30 क्वेश्चन आ गए, अराउंड 450 क्वेश्चन की कलेक्शन आ जाएगी। 450 क्वेश्चन की कलेक्शन होगी 1 मार्कर 2 मार्कर, गारंटी ले लो मुझसे उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो 450 क्वेश्चन की कलेक्शन में से ही आपका पेपर बनने वाला है। उसके अंदर केस स्टडीज भी हैं, वो पेपर्स मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं अब आप लोगों के लिए, तो केस स्टडीज और सब कुछ वो बिल्कुल एज पर न्यू सैंपल पेपर ही मैं डिजाइन कर रहा हूं। ठीक है, जितनी केस स्टडीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर में अलग अलग तरीके से आ सकती हैं, वैसे भी आपको होगा क्या, मैं आपको बताया था बच्चों, सच मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था जब सैंपल पेपर आया था कि केस स्टडी नाम मात्र को है, क्वेश्चन वही पुराने हैं, बस थोड़ी सी कहानी आपको सुनाई जा रही है, तो वो कहानी आप 2 से 3 पेपर में ही क्रैक कर लेंगे। तो 15 फुल कोर्स टेस्ट रहेंगे हमारे पास टेस्ट सीरीज के अंदर। ये टेस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे रहेंगे, एवरी सैटरडे संडे। ठीक, हर सैटरडे संडे जनवरी के फरवरी के हम टेस्ट रखेंगे। तो 2 टेस्ट है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्स आप लोगों का रेडी है। अब जो हमें मैनेज करना है वो टाइम की मैनेजमेंट है और एक्यूरेसी है, स्पीड के साथ एक्यूरेट हो जाना ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम हफ्ते में 2 टेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपने रेडी कर रखा होगा एक वीक के टेस्ट को, गैप ना हो, बैक टू बैक 2 टेस्ट आ जाए, जो कल के टेस्ट में आपने प्रॉब्लम करा होगा वो नेक्स्ट टेस्ट में आप वो एरर्स ना करें, उनको जज कर लें। ठीक है, ये सैटरडे संडे जो टेस्ट होंगे इनके टाइमिंग्स, ये मोस्ट लाइकली हम वही रखेंगे जो सीबीएसई बोर्ड का टाइम होता है, दैट इज 10:30 से 1:30, 10:30 to 1:30। ठीक है, ये हम टाइम रखेंगे हमारे टेस्ट का, मोस्ट लाइकली यही है, कुछ हल्का फुल्का चेंज हुआ तो आई लेट यू नो। 10:30 से 1:30 रखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत के साल की शुरुआत से ही बोलता आया हूं कि देखो हमें टाइम के साथ, हमें चीजों के साथ कंफर्टेबल होना है, एक कंफर्ट जोन बनाना है। आप 4, 5, 6, 8 टेस्ट जब दे दोगे ना, 8-9 टेस्ट देते देते आप देखना आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। 10:30 बजे ना ब्रेन नहीं कहेगा, आप मतलब आप रेडी नहीं करोगे अपने आप को, ब्रेन अपने आप तैयार होगा, लेट टेस्ट देना है तुझे अब। तो 10:30 to 1:30 ये बोर्ड का टाइम है और हम उस टाइम पर ही रखेंगे, ताकि आप लोग उस टाइम के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएं और टाइम से फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो टेंटेटिवली ये टाइम रहेगा जो हम ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें पेपर, हमारा टारगेट याद होगा, हमें पेपर 2 घंटे 10 मिनट मैक्सिमम में खत्म करना है, मतलब 2.25 घंटे में मैक्सिमम हमें पेपर खत्म करना है। ठीक है, तो ये टाइम भी धीरे 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 हम कम करते जाएंगे। अभी इनिशियली स्टार्टिंग के 3-4 पेपर के लिए 10:30 से 1:30 आपका टेस्ट रहेगा और 2 बजे। हाँ, ये टेस्ट कैसा होने वाला है, ये टेस्ट वैसा ही होने वाला है जैसे टेस्ट अभी तक हम दे रहे हैं, पेन पेपर टेस्ट। ठीक, आपने अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है, उसके ऊपर क्लियरली अपना नाम, अपना फोन नंबर मेंशन करना है और मेंशन करके मुझे स्कैन करके भेज देना है, क्योंकि पेपर बड़ा है, नंबर ऑफ शीट ज्यादा होंगी, तो आधे घंटे का हमने विंडो रखा है, आधे घंटे के अंदर अंदर आप हमें ये भेज देंगे। हाँ, अगर 1% भी कुछ ऐसा रहा कि हम सेंटर पे बुला के आपका टेस्ट ले पाए, ठीक है, तो सेंटर पे बुला के हम टेस्ट लेंगे आपका, कितने कितने बच्चों का कैसे कैसे लेंगे वो बात अलग है, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई उम्मीद लग नहीं रहा है,
तो सेंटर पे नहीं होगा, टेस्ट वैसे ही होगा जैसे हम देते आए। क्या होगा, ये जितने भी टेस्ट होंगे ना, ये बाय फ्राइडे, जो कमिंग फ्राइडे आएगा उसके बाद, उसमें हम आपको वापस करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि संडे को ही इसका सॉल्यूशन, दोनों पेपर्स का सॉल्यूशन हम अपलोड कर दें, सैटरडे वाले का सैटरडे को ही और संडे वाले का संडे को ही, ताकि आप लोग एनालाइज कर पाए सेल्फ भी कि आपके पेपर में क्या आने वाला है, टेंटेटिव मार्क्स कितने आने वाले हैं, और आपने गलतियां जो करी हैं वो आप नेक्स्ट पेपर में ना रिपीट करें। तो समवेयर अराउंड हम सॉल्यूशन आपके लिए, पूरा एक सॉल्यूशन मैं तैयार करूंगा और वो सॉल्यूशन आपको हम भेज दिया करेंगे, ठीक है जी। सर कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो रहे, तो फिर लाइक वो टॉपिक मुश्किल लगने लगता है, हम उसे प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और फिर एंड में वो रही। देखो बेटा, रिवीजन इसीलिए होती है, रिवाइज हम कोर्स को इसलिए करते हैं क्योंकि ना पूरे साल में 100% ऐसा होता है कि पूरे साल में थोड़े 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 गैप्स रह जाते हैं। अच्छा सोचो, एक वैसे क्या होता है, आप मूवी देखने लगते हो, कभी कभी मूवी देखते हो ना तो कुछ सीन ऐसे आते हैं जिनमें आप कुछ या तो फोन देख रहे होते हो या कुछ सोच रहे होते हो, वो आपके मिस हो जाते हैं, है ना, आपको पता नहीं लगता वो क्या है, या तो आप पड़ोसी पड़ोसी से वो पूछ लेते हो या मूवी आप दोबारा देख रहे होते हो कि अच्छा उसमें था क्या, वो आप मिस कर देते हो। पढ़ाई तो इससे ज्यादा, वो तो फिर भी इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगती है हमें पढ़ाई में, तो ये ज्यादा होता है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट बहुत बार होता है, तो इस चक्कर में क्या होता है हर बार कुछ गैप्स रह जाते हैं। मैंने आपको शुरू में भी बोला था, फिर दोबारा बोलता हूँ बच्चों, फास्ट ट्रैक, मैंने कहा ना मैं आपको दिसंबर एंड तक कोर्स रेडी करा चुका हूं, मेरी तरफ से आप दिसंबर एंड में तैयार हो पेपर देने के लिए, लेकिन स्टिल पूरे साल में जरूर कुछ ना कुछ गैप कहीं ना कहीं रह गए होंगे, तो वो गैप्स को फिल करने के लिए, अपने बच्चों को तो वो गैप फिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कराता हूं मैं, सिर्फ कि वो छोटे 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 गैप फिल हो जाए, एक बात। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक का मतलब मेरे कराने का फर्क और आपके करने के फर्क में क्या चेंज है, जब आप कोई चीज रिवाइज करोगे ना, आप जब मैच उठाते होगे आपको टाइम लगता होगा एक चैप्टर करने में, आपको बहुत मेहनत लगती होगी, एक बार दूसरा प्लानिंग नहीं बनती होगी, कैसे शुरू करूं, अभी क्या करूं, बाद में क्या करूं, ये प्लानिंग टाइम कंजम्पशन, ये आपके फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से आप बहुत बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, इन्हीं चीजों को कम करने के लिए हम आपके लिए करवाते हैं। फर्क क्या है, जो मैं 2 से 2.5 घंटे में आपको करवाऊंगा, अगर आप वो खुद करने बैठोगे ना तो आपको वो काम करने में 6 से 8 घंटे लगेंगे, किसी के 6 घंटे किसी को 8 घंटे, वो अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, 6 से 8 घंटे का काम हम आपके लिए 2 से 2.5 घंटे में रिवाइज करा देंगे, तो उससे क्या होता है आपकी रिवीजन फास्ट होती नजर आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है, तो वो गैप फिल करने के लिए ही मैं, और आपका प्लानिंग अच्छा हो जाए उसी के लिए हम फास्ट ट्रैक कराते हैं, क्योंकि वरना हमने तो क्या क्या नहीं कर रखा यार, हर चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन करे, अगर जेन्युइनली किसी का रजिस्टर उठा के आप कॉपी नहीं कर रहे हो ना तो लिटरली यू आर रेडी, आप वो चैप्टर्स में आप कुछ भी उठा के कर दो आप कर दोगे, आप पेपर में क्वेश्चन आता होगा ना तो ऐसा लगता होगा मतलब जो जैसे जिनके मार्क्स नहीं आए, कहा ना उन्होंने टॉपिक नहीं आता था, टॉपिक आता होता तो आप वो भी फोड़ देते, 100% श्योर हूं मैं, 100% क्लियर। कह रहे डालमिया, कह रहे सर जिन्होंने 1.5-2 घंटे में किया उन्होंने छोड़ दिया होगा आधा, डालमिया 11वें टेस्ट पे तुझसे पूछूंगा मैं कि तूने कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा, मैंने कहा ना मार्क माई वर्ड्स, लिटरली ऐसा होगा और होगा, ठीक है, ये हर साल बोलता हूं मैं, और ये पता है फरवरी के टाइम पे आते आते बच्चे कह रहे होते हैं हाँ यार सर बाकी ऐसा हो रहा है, आप खुद बोल दो कि सर मैथ से डर नहीं लग रहा, डर तो बाकी सब्जेक्ट से लग रहा है, लिटरली आपको अकाउंट्स में डर लगना शुरू हो जाएगा, इको में बच्चों को हवा बनना शुरू हो जाता है। चलो खैर, फास्ट ट्रैक की डिटेल्स बताए दो बच्चों, पहली बात, सबसे पहली बात ये भी स्टार्टिंग में बताया था, फास्ट ट्रैक इज फ्री, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, ये हमारे कोर्स का पार्ट है, ये हम एसर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, तो इसमें कोई चार्जेस नहीं है। कैसे रहेगा अब वो समझ लो, क्लासेस अगेन जनवरी फरवरी में 3 डेज इन अ वीक रहेंगी, वो डेज डिसाइडेड है मंडे वेंसडे फ्राइडे, शेड्यूल डिसाइडेड है, शेड्यूल डिसाइड हो चुका है, टाइमिंग्स फॉर 12th क्लास है 2:30 बजे से 5 बजे तक, 2:30 to 5, हाँ 2.5-2.5 घंटे की क्लासेस है बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स के फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं हम, थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं आपको कहानियों से ही पूरा कोर्स समझा दूं, पॉसिबल ही नहीं है, मैथ्स है एक बात, और मेरी कभी हैबिट नहीं रही है कि फास्ट ट्रैक को क्रैश कोर्स बना दूं, क्रैश नहीं करता मैं चीजों को कि बिल्कुल खत्म कर दिया, आधी बातें बताई आधी नहीं बताई, लिटरली एक एक कंसेप्ट रिकॉल करेंगे हम। फर्क क्या रहेगा देखो, बैच में अभी मेरे ख्याल से लास्ट क्लास 99 या 100 क्लास थी, है ना,
तब हम मेरे ख्याल से ये काम जो है समवेयर अराउंड 60 क्लासेस में, मतलब ढाई घंटे की है, 60 घंटे का मेरा फास्ट ट्रैक रहता है, 60 आवर्स का, 60 क्लासेस में खत्म कर रहे होंगे जो काम हमने समवेयर अराउंड 110-120 क्लासेस में किया है, आधे काम कोर्स में कर रहे होंगे आधे टाइम में। तो कैसे कर रहे होंगे आधे टाइम में, बस फर्क इतना ही है। अभी आपने क्या किया है, अभी आप एक कंसेप्ट करते हो उस पर कम से कम 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तब एक कंसेप्ट करेंगे तो हम 3-4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम, चार पांच क्वेश्चन करके उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी बता देता हूं, अगर किसी का मैथ्स अभी तक भी रेडी नहीं है ना, अभी तक भी किसी को लग रहा है कि सर मैथ्स तो मैंने अब छोड़ दिया था पीछे क्योंकि काफी कुछ निकल गया, मेरा काफी कुछ छूट गया, इस साल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं, इस साल ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाए हो। इवन मैं इस बार पहला साल मेरा रहा होगा जिसमें मैं 10 दिन छुट्टी पे था क्योंकि मैं खुद बीमार हो गया, वरना इतना लंबा मैंने कभी ऑफ नहीं करा बीमारी के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो इस साल कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रही हैं, अभी बता देता हूं बच्चों, अगर किसी ने कुछ नहीं कर रखा ना तो भी अगर वो 2 महीने सिर्फ मुझे दिन के 2.5 घंटे रोज दे दे, रोज 3 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 3 दिन उसे मैं बताऊंगा क्या करना है, वो 3 दिन वो प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे दे, मुझसे लिखवा लो, इन 2 महीने में भी ना 95+ स्कोर करवा दूंगा, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, चलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो शुरू से शुरू करोगे तो भी हो सकता है, तो भी बहुत आराम से करवा दूंगा, लेकिन मेरे तरीके से चलना पड़ेगा, क्लासेस छोड़नी नहीं पड़ेंगी। हाँ, बहुत बिल्कुल सही है, ये आप लोगों के सजेशन से ही मैंने लास्ट क्लास इस चीज को चेंज कर दिया है, और वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज हम ऐसी क्लास रख रहे हैं जिसमें हमने इन आउट नहीं करना है क्लास में। बिल्कुल जी, ये सारी क्लासेस लाइव रहेंगी। लाइव जूम पे रहेंगी पहली बात, हाँ इन क्लासेस को भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, इनका रिकॉर्डेड ऑप्शन रहेगा दूसरी बात। लेकिन बच्चों, ये क्लासेस में पहले मैं आपसे पूछूंगा कि कौन लाइव रहना रहेगा और कौन रिकॉर्डेड में रहेगा। फास्ट ट्रैक के टाइम पर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात हम पढ़ाई कहां से करेंगे, मैं एक बुक प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, हम उससे करेंगे सारा का सारा फास्ट ट्रैक। इस बुक में कुछ नया नहीं है, ये मत कहना सर और क्वेश्चन लेकर आ गया, नहीं कुछ और नया नहीं है, सारे वही क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकल जिस बुक से आप पढ़ रहे होते हो ना, हमें हैबिट हो जाती है उस बुक से पढ़ने की, जैसे ही क्वेश्चन देखते हो ना, देखते ही याद आता है अच्छा इसका सॉल्यूशन सर ने ये बताया था, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन नई जगह आता है, जैसे ही वो क्वेश्चन, नंदा जी ध्यान से सुनना, जैसे ही वो क्वेश्चन नई जगह आ जाता है, जैसे टेस्ट में आ गया तो हमें याद नहीं आता है, तो हम फटाफट रजिस्टर खोलते हैं या फिर हमें गूगल बाबा के पास जाना पड़ता है, तो ठीक है, ऐसा वो साइकोलॉजिकल है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, मेरे असाइनमेंट्स होंगे, उसमें से आप पढ़ाई करेंगे, उसमें से हम रेडी करेंगे, वो 90% वही काम है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, 10% नया मैं जरूर इसलिए रखता हूं ताकि आपका दिमाग डंब ना हो जाए, स्पून फीड करते करते डंब ना हो जाए, तो 10% नया, 90% पुराना, क्योंकि जो 90% पुराना है वही पेपर में आना है, ठीक है। वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक मैंने मार्क करवाए हैं या नहीं मार्क करवाए, टेस्ट में दिए हैं या टेस्ट में भी रह गए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बचा मतलब रखे हुए हैं, आपने प्रैक्टिस जरूर कर रखे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, इससे पहले मैं आगे बताऊं, जैसिका कुछ पूछना चाह रही है, जैसिका सर एक लाइव क्लास मतलब सही है, पर एक प्रॉब्लम होती है कि लाइव क्लास के बाद मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, क्योंकि जब क्वेश्चन होता है ना तो वो कॉपी नहीं हो पाते साथ साथ, तो मैं दोबारा देखती हूँ। क्यों नहीं हो पाते जैसिका, कॉपी टाइम ज्यादा चाहिए होता है कॉपी करने के लिए? बेटा डोंट वरी, आप देखो लाइव क्लासेस में वैसे भी, अच्छा सोचो आप क्लासरूम क्लास में आए होते और अगर आप रिकॉर्ड, आपको कॉपी करने में टाइम लग रहा है तो टाइम लो ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, टाइम लो और उसके बाद कॉपी करो। मैं पूछता हूँ ना हमेशा रब करने से पहले, क्या मैं रब करूं, क्या मैं रब करूं, अगर आप बोल दोगे तो आई विल वेट फॉर श्योर 100%, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कोई स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए चीजें कस्टमाइज मैं करूंगा, ठीक है, वो मुझसे बात करे, 1-to-1 करे, ठीक है, वो वाले इश्यूज के लिए 1-to-1 बात करे, ठीक। सार्थक सर, ज़ूम मीट लॉक तो मत करना क्योंकि बार-बार कभी-कभार कनेक्शन लूज हो जाता है यार, एक बार भी कोई आ गया मैं उसे जाने नहीं दूंगा यार, ये क्योंकि ना कभी-कभार कनेक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है फिर यार, वो कभी-कभार के लिए देखो, हर बार क्या होगा, हर बार हमारी ज़ूम मीट में एक मैम जरूर रहेंगी, ठीक है, तो आपको मैम का नंबर दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मैम से कनेक्ट करोगे, मैम वेरीफाई करके आपकी प्रॉब्लम को फिर आपको रीएंटर कर देंगी,
लेकिन मैंने कहा ना देखो ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना इसके लिए आप मुझसे वन टू वन बात कीजिएगा, बेटर समझा पाऊंगा। ठीक है सार्थक? ओके सर। कनिष्क सॉरी, हाँ जी बिल्कुल कनिष्क, फर्स्ट जनवरी इज फ्राइडे। हाँ नहीं यार, फास्ट ट्रैक जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग तरीके से ही चलेगी। ठीक है, फास्ट ट्रैक डिले नहीं हो रहा है। और पहली बात, मई में नहीं होने भाई एग्जाम। अगर मई में एग्जाम हुए ना, इतना डिले हो गया तो आपका नेक्स्ट ईयर खराब है। डेढ़ साल थोड़ी लगा दोगे आप 12th क्लास में, तो नेक्स्ट ईयर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस साल जरूर चीजें प्रॉब्लम में रही थी, क्योंकि इस साल ताजा था। जनवरी तक वैक्सीनेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है जनवरी तक आने के। ठीक है ठीक, लेकिन हाँ जनवरी तक वैक्सीनेशन आ जाएगा, उसके बाद आपके एग्जाम्स मोस्ट लाइकली नॉर्मली होंगे। सीबीएसई के जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला भी है कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि शायद पेपर कैंसिल हो सकते हैं, पेपर कैंसिल हो जाएंगे या पेपर बहुत ज्यादा पोस्टपोन हो जाएंगे, तो इसीलिए जो पेपर से रिलेटेड नोटिफिकेशन है इस बार वो जल्दी देंगे। तो विद इन अ वीक और सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मोस्ट लाइकली डेट शीट आ जाएगा, पेपर कब है, कौन सी डेट पे है, कैसे है। ठीक है, एसओपीज क्या है, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। यू आर इट। सबसे पहली चीज बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों के फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लिटरली कोचिंग्स ही नहीं लगाई हैं, तो शायद उनको अभी तक समझ नहीं आया कि क्या चीज कैसे चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। कोई भी मिड ऑफ द ईयर में चेंजेस नहीं कर रहा था, हम लोगों ने भी एडमिशंस मिड ऑफ द ईयर में लेने बंद कर दिए थे एज सच, अदरवाइज कोई रिकमेंडेशन पे नहीं था। तो मैंने कहा ना कि ये अगर कोई फ्रेश भी स्टार्ट करता है ना, तो वो भी 95+ स्कोर कर सकता है। तो प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, उनको बताने के लिए इंफॉर्मेशन जरूर बता देता हूं कि किसी भी आउटसाइडर के लिए प्रॉपर फीस है बच्चों, जो आप लोगों ने अमाउंट दिया है, जो जितनी फीस आप लोगों ने दी है, लगभग उतनी ही फीस आउटसाइडर के लिए भी है, क्योंकि कोर्स हम स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा चेंज है उसमें, और वो ये है, क्योंकि आप लोग रिकमेंड करेंगे तो आप लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से सिर्फ इनिशियल कुछ अर्ली बर्ड्स के लिए हमने 50% डिस्काउंट रखा हुआ है। हाँ, पैनेडेमिक है, कोरोना है, तो हमें पता है ये आज से पहले हमने कभी नहीं करा है, सिर्फ इस साल कर रहे हैं। तो अगर आपकी रिकमेंडेशन से कोई आ रहा है, तो पहली बात इनिशियल अभी कुछ 30 स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है, उनके लिए 50% डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, ये फास्ट ट्रैक अकाउंट्स का भी बिल्कुल सेम है बच्चों, टाइम का डिफरेंस आएगा, डेज ऑपोजिट है, मंडे वेंसडे फ्राइडे अगर मैथ्स है तो ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे में अकाउंट्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। फिर बोल देता हूं, मुझे रोज आपके काइंड ऑफ ऐसे कह सकता हूँ, रोज के मुझे 3 घंटे दे दो, मैथ में 100 नंबर ले लो। ठीक है, तो आज की क्लास मेरी तरफ से यहां खत्म है, आज हम कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे।